Today I am going to tell you a built-in commonly used string function in C. C में mainly four functions की commonly use होते हैं ज़्यादातर, बाकी जो होते हैं वो other functions हैं जो कम use होते हैं. तो जो ज़्यादा use होते हैं function आज वो हम चारों ले लेंगे, फिर कल हम और functions आपको बता देंगे. पहला है str length, जो calculate करता है string की length को. strcpy जो दो स्ट्रिंग्स को कॉपी करता है. strcmp जो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है. strcat जो दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है. strlength functions calculate the length of given string. strlength function take a string as a argument and return its length. ये आपको हम थ्योरेटिकल पोर्शन में इसलिए दे देते हैं कि बाद में आप इसको भूल न जाइए और आपको याद करने में डेफिनेशन इजी रहे और आप एग्जाम के लिए अपने को प्रिपेयर कर पाए. द रिटर्न वैल्यू इज ऑफ टाइप साइज टी, द अनसाइंड इंटीजर टाइप. और जो रिटर्न वैल्यू होती है वो जो टाइप का डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रिटर्न होती है. आप करेक्टर है लेंगे तो उसकी हमारी 1/8 करेक्टर की लेगा और उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा. एंड इट इज डिफाइंड इन स्ट्रिंग डॉट एच फंक्शन. और जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइन होते हैं. एग्जाम्पल str len फंक्शन इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच एंड देन राइट द प्रोग्राम इन मेन फंक्शन. इन मेन फंक्शन देयर आई डिफाइन अ टू एरे करेक्टर A20 जिसमें प्रोग्राम डायरेक्टली है विदाउट नल करेक्टर, और करेक्टर B20 जिसमें नल करेक्टर लिया है. और हम अब देखेंगे कि दोनों में वो लेंथ सेम देता है कि अलग देता है. तो हम आपको बता दें कि वो सेम लेगा. क्यों? क्योंकि कंपाइलर जो होता है वो नल करेक्टर को काउंट नहीं करता है. और जब हम दोनों की स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो वो 7 प्रिंट कर देगा. नोट दैट द strlen फंक्शन डजन काउंट द नल करेक्टर वाइल कैलकुलेटिंग द लेंथ. तो जब आपकी लेंथ कैलकुलेट होती है तो वो नल करेक्टर काउंट नहीं करता. सेकेंड फंक्शन है strcpy. हमने जैसा कि आपको बताया कि ये strcpy दो स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है. strcpy फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग यूज टू कॉपी स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल वी विल डिस्क्राइब इट. द फंक्शन प्रोटोटाइप ऑफ strcpy इज करेक्टर स्टार strcpy करेक्टर स्टार डेस्टिनेशन कॉन्स्टेंट करेक्टर स्टार सोर्स. तो हम दो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं पॉइंटर टाइप का जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन वेरिएबल ले रहे हैं और रिटर्न टाइप पॉइंटर ले रहे हैं. अब हम सोर्स और डेस्टिनेशन को पॉइंटर किस लिए ले रहे हैं? हमने आपको बताया कि एरे का फर्स्ट पोजीशन जो होते हैं वो खुद ही एड्रेस और पॉइंटर को बताता है. द strcpy फंक्शन कॉपीज द सिम पॉइंटेड बाई अ सोर्स including the null character to the destination. अब जो first address को point करता है pointer वो destination में source value को copy करता है. strcpy function also return the copied string. और copied string को return करता है आपको display करने के लिए. strcpy function is defined in string.h header file. अब ये जान लीजिए जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं वो स्ट्रिंग एच हेडर फाइल में डिफाइन होता है. तो इसको इंक्लूड करना सबसे ज़रूरी है. तो देखिए प्रोग्राम में हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं और अब हम एक वैल्यू ले लेंगे सी स्ट्रिंग इन अ प्रोग्रामिंग. तो इसमें 23 करेक्टर हैं. जब हम str125 में इसको असाइन कर लेंगे डिक्लेयर करते समय तो असाइन हो जाएगा. लेकिन जब हम वेरिएबल को डिफाइन डिक्लेयर करने के बाद कॉपी अलग लाइन में करेंगे तो वो नहीं होगा. तो ऐसे केसेस में हम strcpy को लेते हैं और str2 में strc1 को कॉपी कर देंगे.
और पुटेस str2 जब हम करेंगे तो strcpy में जो वैल्यू str2 में कॉपी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी. Note that when you use a strcpy, the size of the destination string should be large enough to store the copied string. Otherwise, it may result in undefined behavior. तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आपका क्या आ गया, C string in programming putes करने से, और उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रोग्राम ये बोल रहा है कि str2 में अगर सफिशियंट वैल्यू नहीं होगी तो ये वाली स्ट्रिंग जो होगी आपकी इसमें कॉपी नहीं होगी. दो यहाँ पे ये 23 और ये 25 है तो ये इजीली कॉपी हो जाएगा क्योंकि उसको नल करेक्टर के लिए भी एक वैल्यू चाहिए होगी. अब strcmp क्या करता है, strcmp कंपेयर्स टू स्ट्रिंग करेक्टर बाय करेक्टर. क्या करता है, एक एक करेक्टर को वो कंपेयर करता जाता है, क्योंकि एक एक करेक्टर को कंपेयर करता है तो जहाँ पे करेक्टर में डिफरेंस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा. इसका प्रोटोटाइप क्या है फंक्शन का, strcmp int, इसमें इंटीजर टाइप रिटर्न होता है. कैट सीपीआई में क्या रिटर्न होता था आपका, पॉइंटर टाइप, इसमें इंटीजर टाइप रिटर्न होता है. कॉन्स्टेंट दोनों पॉइंटर डिफाइन करेंगे, एरे है क्योंकि str1 str2. अब इनको कंपेयर करेंगे दोनों स्ट्रिंग को, जब दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे तो अगर स्ट्रिंग बराबर है तो जीरो आएगा. इफ द फर्स्ट नॉन मैचिंग करेक्टर str1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ str2. ग्रेटर कब होगा, जब छोटा करेक्टर होगा. क्यों, क्योंकि ASCII वैल्यू ए स्मॉल ए टू जेड क्या होती है, 97 to 122 होती है, और बिग कब होती है, जब 65 to 32 माइनस कर दी दिया 97 में. तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को निकाल लेंगे. अभी अब प्रोग्राम में देखते हैं कैसे निकालते हैं. और अगर माइनस में वैल्यू कब आएगी, जबकि फर्स्ट नॉन मैचिंग करेक्टर फर्स्ट स्ट्रिंग इज लोअर देन दैट ऑफ स्ट्रिंग. अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे आता है स्ट्रिंग. हम दो एरे डिफाइन करते हैं, तीन, और पहले में हम ABCD डाल देते हैं, दूसरे में बिग ABCD डाल देते हैं, तीसरे में ABCD डाल देते हैं. अब हम पहले में ABCD और दूसरे की ABCD को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ABCD में जो है अल्फ़ाबेट स्मॉल ए 122 होगा और बिग 65 होगा और दोनों का डिफरेंस 32 होगा, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा. 97 माइनस 65 32 आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल का ए का 97 होता है और बिग ए का 65 होता है. अब यहाँ पे हम दूसरी बार क्या कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 3 से. तो अब की ए जो है उसकी वैल्यू 65 है और ASCII की वैल्यू 97 है, तो माइनस 32 आ जाएगा. इसको माइनस करके देख लीजिए, 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 6 गया 3. अब जब दोनों वैल्यू, अब फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू में से माइनस होगी ASCII वैल्यू, तो वो 0 हो जाएगी. इन दिस प्रोग्राम स्ट्रिंग 1 एंड 2 आर नॉट इक्वल, हेंस द रिजल्ट इज नॉन जीरो, एंड इफ S1 S3 आर इक्वल, हेंस द रिजल्ट इज 0. जब इक्वल होगा तो 0 आएगा, तो नॉन जीरो आएगा. नॉन जीरो में प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो प्लस 32 भी आ रहा है, माइनस 32 भी आ रहा है. नेक्स्ट है आपका strcat. strcat दो स्ट्रिंग को ऐड करता है. strcat फंक्शन टेक टू आर्गुमेंट्स, डेस्टिनेशन एंड सोर्स. अब इसका डिफाइन करके और इसको देखते हैं कैसे काम करता है. तो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग जो होती है इसमें उसको सोर्स स्ट्रिंग के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि कॉन्कैटनेशन नहीं होगा. तो जब दो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग जो होती बड़ी होनी चाहिए तो उसको ज़्यादा बड़ा सी ले लेंगे. यहाँ पे डेस्टिनेशन में हमने दिस इज डाला है, str2 में हमने ट्रायल प्रोग्राम डाला है. तो जब हम strcat करेंगे तो क्या होगा, str1 comma str2 करेंगे. तो पुटेस जब हम करेंगे तो str में क्या होगा, पुटेस s2 करेंगे तो क्या होगा.
अब str में पहले this is था और str2 में trial program था, जब दोनों को हम कॉपी जोड़ेंगे कॉन्कैटनेट करेंगे तो दिस इज अ ट्रायल प्रोग्राम आ जाएगा, और जब हम str2 प्रिंट करेंगे तो उसमें स्टिल ट्रायल प्रोग्राम आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्टिल ट्रायल प्रोग्राम आएगा क्योंकि उसमें कॉन्कैटनेशन नहीं हुआ है, कॉन्कैटनेशन str1 में हुआ है। When we use strcat, the size of destination string should be large enough to store the result of the string. If not, we will get the segmentation fault error. क्यों error मिलेगी? क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिलेगी तो वो array को कैसे जोड़ेगा? So this is all today, viewer. If you like it, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Ask in comment if any query. Follow my all social media link, go to my community and comment there. Thank you.